हम बवाना में मौजूद हैं और भव्य स्वागत किया जा रहा है इनका, लड्डू से तोला जा रहा है। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल एक लाख के पार, एक लाख के पार। इतना प्यार, इतना परमकी देखे आपने, अपने आत्मा से बता दिए, कहीं नहीं हो सकता ये। देखो ये लोकल लोग हैं हमारे, हमारे बवाना के लोग हैं, ना कि गुड़गावा से लाए हुई भीड़। अब इन्होंने फैसला कर लिया हमारे परिवार ने कि इस बार इतनी बड़ी आजादी लेके आएंगे ये कि एक रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं हिंदुस्तान में। हमारा परिवार जागरूक हो गया है, पिछली बारी पहला इलेक्शन था, इतना क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया कि 34,000 वोट तो आ चुके हैं, अब हमने 34,000 स्टार्ट करना है और इसको 1,00,000 पार लेके जाना है। अब जनता समझ गई है, ये 5 साल बाद ही आते हैं, जिस जात के जिस गांव में ज्यादा लोग होते हैं उसी जात के आदमी को बुला लेते हैं। ये जनता समझ चुके, जनता उस चीज को रिजेक्ट कर चुकी है। अब जनता इतनी बंपर वोट डालने जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। मुन्ना जी, कोई वोट नहीं देगा भ्रष्टाचारी को, इस बारी सच्चाई ईमानदारी को वोट मिलेगी, ना कि 13,000 करोड़ के घोटाले को। हमें ये पता हो ना, पिछली बार हमारा वोट इतना जाएगा तो हम पिछली बार जिता देते। महेंद्रगढ़ 45 सालों से अंधेरे में था, अब ये टॉर्च के उजाला से महेंद्रगढ़ में उजाला हो जाएगा। सब ने मुझे अग्रिम बधाई दे दी है जीत की, कि आपकी बहुत बड़ी जीत हो रही है हमारी जनता की, और सब बधाई दे चुके हैं जीत की। सर भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म करेंगे, दान सिंह ने रामविलास ने खूब वोट दिया, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया। बेंद्रगढ़ का लूट खाया, बेंद्रगढ़ उन्होंने लूट खाया, यानी कि लोगों को भ्रमित हर तरीके से किया जाएगा। क्या तोड़ निकाला है आपने, क्या तोड़ निकाला है आपने, कोई तोड़ है? हमारी जनता जागरूक हो चुकी है, हमारा परिवार जागरूक हो चुका है, वो काट की हांडी थी वो चढ़नी थी, चढ़ चुकी है, बस अब हमारा जनता का राज आने वाला है, सत्ता जनता के पास आएगी। पहले केवल एक दो परिवार के पास सत्ता थी, अब जनता के पास सत्ता आने वाली है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे, मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी मानसू लंबा के साथ हम मौजूद हैं, बवाना में मौजूद हैं, और ये संदीप सिंह एस डी एम है बवाना में, दूसरी बार यहां पहुंचे हैं लोगों के बीच में, और भव्य स्वागत किया जा रहा है इनका, लड्डू से तोला जा रहा है, अभी संबोधन भी दिया है मंच के माध्यम से। ये लड्डुओं से तोला जा रहा है संदीप सिंह एस डी एम को बवाना में, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा, और निर्दलीय प्रत्याशी है, जोश से लबालब इनके सपोर्टर, इनके कार्यकर्ता, इनके परिवार के लोग, और ये कहते हैं कि 1,00,000 पार का नारा दिया इन्होंने, और हमारे साथ चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, ये बवाना का दृश्य है, लगभग 1,00,000 के पार, 1,00,000 के पार बाबा कहते हैं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल 1,00,000 के पार, 1,00,000 के पार, देखने की जरूरत नहीं, इनका बढ़िया से सिनावण नहीं दिया, 1,00,000 टालना होइब गए, जिट्टे होइब गए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ देंगे जी, नहीं तो वोट देना ठेका, ठेका कितना। हाँ ये देखो, ये तस्वीर देख लीजिए, बवाना में मौजूद हैं, और इतनी जबरदस्त गर्मी है यहाँ पे, तो हम आपको लाइव तस्वीरें बवाना से दिखा रहे हैं। ये माहौल है संदीप सिंह एसडीएम का, और रब कब 8:30 बजने वाले हैं, 2 घंटे से लोग यहाँ मौजूद हैं और संदीप सिंह का इंतजार कर रहे हैं, लड्डू से तोला गया, जन सैलाब उमड़ चुका है बवाना का। और हमारे साथ संदीप जी, सर क्या कहेंगे, बहुत जबरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है आपको, दूसरी बार प्रोग्राम है ये, क्या कहेंगे? मुन्ना जी आप देख रहे हैं, आप पूरा हिंदुस्तान कवर करते हैं, और अब तो हरियाणा में आपको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इतना प्यार, इतना परमकी देखे आपने, अपने आत्मा से बता दिए, कहीं नहीं हो सकता ये। देखो ये लोकल लोग हैं हमारे, हमारे बवाना के लोग हैं, ना कि गुड़गावा से लाई हुई भीड़, ना कि भिवानी से बाड़ा से लाई हुई भीड़, ये लोकल भीड़ है, ये लोकल लोग हैं हमारे, परिवार सदस्य हैं, इनका जोश जुनून जज्बा आप देख रहे हैं, इनको आज़ादी चाहिए,
अति हो चुके हैं अंधकार में, जो महेंद्रगढ़ भ्रष्टाचार के करप्शन क्राइम के अंधकार में डूबा हुआ था। अब इन्होंने फैसला कर लिया हमारे परिवार ने कि इस बार इतनी बड़ी आज़ादी लेके आएंगे ये कि एक रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं हिंदुस्तान में। जी, जिस गांव में आप जा रहे हैं महेंद्रगढ़ में, जन सैला उमड़ा जन समर्थन का, बच्चे महिलाएं बुजुर्ग युवा सब एक लाख पार, एक लाख पार, एक लाख पार, ये एक लाख पार वास्तव में जाने वाली है गाड़ी। देखिए हमारा परिवार बोल रहा है बात, तो हम तो अपने परिवार से पूछते हैं तो कहते हैं एक लाख पार, तो एक लाख से नीचे नहीं मानेंगे वो। मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, आपके पास ना गॉड फादर है, आपके पास ना शाम दाम दंड भेद है, और लोगों के जब बड़े बड़े नेता प्रचार के लिए आ रहे हैं, आपका प्रचार करने कौन पहुंचेगा यहाँ पे संदीप जी? हमारी जनता, हमारा परिवार, ये पूछिए अरे मोटा आदमी को क्या चाहिए, या जनता रहे, जनता हमारे साथ है, आगे बढ़ो, हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, संदीप को भी कुछ नहीं चाहिए, ये जनता के लिए करना है, इसने कुछ करना है वास्तव में ही। प्रचार में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी आ रहे हैं, और आज भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े गद्दा और नेता महेंद्रगढ़ में पहुंच रहे हैं, सब आपसे विचलित हैं, ये कर क्या दिया आपने, ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े बड़े बम्बई तक के सुपरस्टार यहाँ पे उतारे जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? मुन्ना जी, हमारा पब्लिक, हमारी जनता, हमारा परिवार जागरूक हो गया है। पिछली बारी पहला इलेक्शन था, इतना क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो गया कि 34,000 वोट तो आ चुके हैं, अब हमने 34,000 स्टार्ट करना है और इसको एक लाख पार लेके जाना है। आप देखिए, उन्होंने अभी विपक्ष वालों ने अपना एक इंटरनल सर्वे करवाया था, वो सर्वेयर ने मुझे बताया कह जी इनके जमीन खिसक चुकी है पैरों तले, मैं क्या बात हो गई, कह जी 80,000 वोट, 80,000 वोट बता रखे हैं सर्वे में आपके, और इनके 30,000 से नीचे नीचे, तो इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। हम तो एक ही बात कहते हैं मुन्ना जी, हमने 5 साल लगातार अपने परिवार की सेवा करी है, 24 साल से लगातार कर रहे हैं, और वो आते हैं 4 साल 11 महीने बाद, 1 महीने के लिए, रात को 2-2, 3-3 बजे लोगों का दरवाज़ा खटकाना, उनको उठाना, उनको मजबूर करना, उनको परेशान करना, उनको तंग करना, गुंडागर्दी करना, हमारी जनता ये चीज़ नहीं सहन करेगी। सर, कहीं आपकी ये जनता, आपका परिवार और आप बड़े बड़े गॉड फादर, बड़े बड़े आका महेंद्रगढ़ में पधार रहे हैं, कहीं विचलित तो नहीं हो गई आपके सपोर्ट? नहीं है, आप जनता से पूछ लीजिए, रूमर तो नहीं चल रहा, कोई भी नहीं, कोई भी बहकाव तो नहीं आने वाले सर। मैं एक बात जानना चाहूंगा, संदीप का गॉड फादर कौन? ये सारी जनता, ये सारी जनता। संदीप जी नमस्कार, सबसे पहले ये वैराग्य है, शील है, शिक्षित है, और अपने कर्तव्य के प्रति बड़े ईमानदार हैं, वो जीत लोगों का जो लगाव है ना, वो लगाव इनको खींच के लाते, ये पारसमणि है, पारसमणि जो एक बार आ गया जिसे दूर नहीं जाएगा, आप भी दूर नहीं जाएंगे मुन्ना जी, आप भी दूर नहीं जाएंगे। पारसमणि इसको को तो लोग लूटने के लिए तैयार खड़े हैं, पर ये पब्लिक के लिए लुटाई गई, ये वैरागी है, ये वैरागी है, बड़े नेता हम भी लूट, अरे बड़े सर, बड़े बड़े नेता तैयार खड़े रहेंगे, हम तो इनके साथ है, पारसमणि हमारे साथ ही है, खड़े रहेंगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा? मुन्ना जी क्या बात है, मैं बताता हूँ आपको, लास्ट टाइम भी आए थे, लोगों समझ चुके हैं लोग कि 5 माह तो आपको हारना पड़ा, तरह तरह के रूमर फैलाए गए और आपको हार का सामना करना, वही मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम ये आए थे, अब जनता समझ गई है, ये 5 साल बाद ही आते हैं, जिस जात के, जिस गांव में ज्यादा लोग होते हैं उसी जात के आदमी को बुला लेते हैं, ये जनता समझ चुके, जनता उस चीज को रिजेक्ट कर चुकी है, अब जनता इतनी बम्पर वोट डालने जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। मुन्ना जी एक क्वेश्चन, दीपेंद्र हुड्डा पहाड़ से परली साइड रोड से हुआ सब गांव में, और इस साइड में क्यों नहीं, थोड़ा सा ये आप समझ गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस जात के, जिस गांव में ज्यादा लोग होते हैं उसी में जाते हैं, लेकिन किसी भी गांव में चले जाएं, ये हर गांव वाला, हर परिवार वाला हमारा समझ चुका है, चाहे वो सतनाली साइड चले जाएं, चाहे इधर आ जाए, चाहे कहीं चले जाएं, कोई वोट नहीं देगा भ्रष्टाचारी को, इस बारी सच्चाई और ईमानदारी को वोट मिलेगी, ना कि 13,000 करोड़ के घोटाले को, ना कि बैंक घोटाले को वोट मिलेगा, सच्चाई ईमानदारी को वोट मिलेगा। कई बड़े नेतों का इशारा हो गया उन लोगों की तरफ, तो संदीप जी आपका क्या रहने वाले, आपके परिवार के लोग खड़े हैं क्या? पूरा परिवार, जब परिवार ही आ गया, बड़े नेता का अगर इशारा, प्रोफेसर रामबिलास सरा चुनाव नहीं लड़ रहे और उनके साथ 15,000 वोट बैंक तो होता होगा, अगर वो 5-7,000 वोट भी इधर उधर कर देते हैं तो क्या रहने? देखिए जनता ऐसे किसी की नहीं मानती, खुद इलेक्शन लड़ा तो अलग बात है आदमी,
आदमी को डायरेक्शन दे तो ऐसे कोई नहीं मानेगा। रूमर चल रहा है इसलिए क्वेश्चन नहीं, हाँ इसलिए रूमर्स है, किसी के कहने से कोई वोट नहीं डालेगा। अगर खुद की वोट होती तो अलग बात थी, वो अलग, मैं नहीं इस बारे में कमेंट करना चाहूँगा, लेकिन अभी कोई इसमें सिनेरियो में है ही नहीं, सीन में है ही नहीं। तो हमारी जनता फैसला कर चुकी है और बड़े से बड़ी हमारी जनता की जीत होने जा रही है। सर हरियाणा में मैं पूरा हरियाणा कवर कर रहा हूँ, बहुत दूर दूर तक, आपका जो 1 लाख पार का नारा कई नेताओं ने कैच कर लिया, हासे में 1 लाख पार का करने लगे आपको देख के, महम में 1 लाख पार का होने लगा, कोसली में 1 लाख पार का होने लगा, सब बादशाहपुर में भी 1 लाख पार का नारा चल रहा है, ये संदीप जी ने। देखिए बड़ी अच्छी बात है, कोई हमारा कॉपी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हम तो बधाई देना चाहेंगे, हमारी चीज कॉपी हो रही है, काफी चीज हमारी कॉपी हो रही है आगे, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ जी, आप सारे दिन प्रोग्राम करते हैं, हमारे साथ संदीप सिंह एसडीएम बवाना गांव में मौजूद है, लड्डू से तो लगे लंबे चौड़ी, यहाँ पे दूसरी बार प्रोग्राम है, नहीं नेताओं का तो एक बार प्रोग्राम भी मुश्किल हो जाता है, और ये दूसरी बार जबरदस्ती यहाँ बुलाए गए हैं, दूसरी बार सारे दिन प्रोग्राम करते हैं, आपके जितने सपोर्टर हैं आपके साथ रहते हैं या किसी न किस रूप में किस आपके साथ जुड़े हैं, इनके चेहरे पे सब पे मायूसी नहीं होती, खिलखिलाट आपके चेहरे पे हंसता खूब मुस्कुरा, ये कौन सी? देखिए ये जो हमें प्यार मिल रहा है ना मुन्ना जी, जब मेरा वेट शुरू में इलेक्शन स्टार्ट हुआ था 73 kg था, अब वो बढ़ के 77 kg हो गया, बताइए 77 किलो हो गया सर, 20 किलो लोगों का वजन घट चुका नेताओं का, आप यहाँ बढ़ रहा है वजन, ये प्यार से बढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना पिछली बार हमारा वोट इतना जाएगा तो हम पिछली बार जिता देते, महेंद्रगढ़ 45 सालों से अंधेरा में था, अब टॉर्च कर उजाला से महेंद्रगढ़ में उजाला हो जाएगा, अब टॉर्च से होगा जी, बिल्कुल उजाला हो जाएगा पूरे हरियाणा में, ये जो एक तरफा जीत होगी वो अपने महेंद्रगढ़ हल्के की होगी जी। ये जीत के लड्डू थे, जीत के लड्डू, जीत के आज ही जिता दिया है, 1 लाख पार, 1 लाख पार, 1 लाख संदीप एसडीएम, 1 लाख पार, 1 लाख मुन्ना जी, 1 लाख पार, ये हरियाणा में पहला ना एक नजारा और देखने को मिल रहा है, चुनाव का अभी 15 दिन बचे हैं और यहाँ जीत के लड्डू बांट दिए गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ये जीत के लड्डू थे, जीत के सबने मुझे अग्रिम बधाई दे दी है जीत की, कि आपकी बहुत बड़ी जीत हो रही है हमारी जनता की, और सब बधाई दे चुके हैं जीत की। सर मैं सलूट करता हूँ आपको, आपके ये सपोर्टर ना थकते हैं ना रुकते हैं, 5 साल से लगातार दौड़ रहे हैं, ये कौन सा इंजेक्शन लगा दिया लोगों को? इंजेक्शन ही लगा, ये प्यार का इंजेक्शन है, प्यार का ये प्यार है, दिल है, ठीक है, ये मोल नहीं मिलता, ये मोल नहीं मिलता, आपके चंदन के माध्यम से बता रहे हैं कि सच्चाई ये है, ये झूठ के वोट को नहीं उड़े, बिल्कुल ईमानदार आदमी, ये सत्य के वोट है, सच्चाई के वोट है, ये ईमानदार आदमी, पूछो इसे, ईमानदार आदमी, बहुत जोर दिल दो अल्लाह को न की भी हमें खड़ा रहा हुए सीधा वोट ओनर ईमानदार है सर, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म करेंगे, दान सिंह ने रामविलास ने खूब वोट दिया लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, महेंद्रगढ़ का लूट खाया, महेंद्रगढ़ उन्होंने लूट खाया, अब की बार तन मन धन से साथ है साहब के साथ, ओनर कैन नॉट बी परचेज्ड बट इट इज अर्न्ड, ये ओनर है, ये कमाया गया है, नॉट परचेज्ड बट इट इज अर्न्ड। जी सर एक बात, हमेशा मुझे भी खटकती रहती है ये, अच्छी जिंदाबाद, नेताओं का प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही भीड़ चली जाती है, और साहब यहाँ लड्डू भी बट लिए, प्रोग्राम खत्म हुए 1 घंटा हो गया और तो भी इतनी खासी संख्या है, अगर आप 1 घंटे खड़े रहेंगे तो यहाँ पूरी रात लोग बैठे रहेंगे, ये कह रहे हैं जी नहीं करा छोड़न है, जी नहीं करा छोड़न है, वोट देना 1 घंटा क्या, रात भर खड़े रहेंगे हम साहब के साथ, सर आपके बारे 1 लाख पार, आपके बार 1 लाख पार है, आपकी बार 1 लाख पार, आपकी बार संदीप एसडीएम पार, ठीक है, कौन से टोनी के 1 लाख पार, ऐसे थोड़ी हो जाएगा जी, आपकी बार हमें मन बना, पब्लिक करेगी 1 लाख पार, पब्लिक जनता करेगी 1 लाख पार, संदीप एसडीएम जी को जनता पार करेगी 1 लाख से, ये जनता, ये ईमानदार है, महेंद्रगढ़ पार करेगा डिस्ट्रिक्ट पूरा पूरा,
बात और बताता हूँ, अगर आप पब्लिक में कहीं जाओगे आप एक बार ये पूछना अगर किसी भी भाई से, आप अगर भाई ये कहता है कि हम वोट ईमानदारी और सच्चाई को देंगे किसी और नेता के सामने, तो वो अपने आप समझ जाएगा ये वोट किसको जाएगा, वो अपने आप समझ जाएगा ये वोट किसको जाएगा, हमारे साहब को जाएगा। एक बात मैं और जानना चाहूंगा, फिर माँ अभिदा लेंगे यहाँ, संदीप जी जब तक रहेगी यहाँ लोग लगातार, नहीं तो माइक पे बोलने के लिए लोगों को ढूंढना पड़ता है। सर आज ये थोड़ा सा बात कीजिए हमारे साथ, सर सारे रूमर फिर दोबारा आने वाले, वो के वो जो पहले फैलाए गए थे, यानी कि लोगों को भ्रमित हर तरीके से किया जाएगा, क्या तोड़ निकाला है आपने, क्या तोड़ निकाला है आपने, कोई तोड़ है आपके पास? देखिए तोड़ एक ही है, चल भी चुके हैं अभी। हाँ तोड़ एक ही है, हमारी जनता जागरूक हो चुकी है, हमारा परिवार जागरूक हो चुका है, वो काठ की हांडी थी वो चढ़नी थी चढ़ चुकी है, बस अब हमारा जनता का राज आने वाला है, सत्ता जनता के पास आएगी, पहले केवल एक दो परिवार के पास सत्ता थी, अब जनता के पास सत्ता आने वाली है, पूरा विपक्ष एकजुट और संदीप का परिवार एक तरफ, तो वही तो देखिए जनता, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जनता एक तरफ, जनता वर्सेस वो, जनता के इलेक्शन है ये, तो जनता जीतेगी इलेक्शन में, वोट तो जनता के पास है। हाँ जी सर, थैंक यू। और रोटी खास जितों को जब पेट भरांगा, नहीं भूखा ही मर जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ संदीप सिंह एसडीएम बवाना गांव में लड्डुओं से भव्य तरीके से स्वागत किया गया है, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। ये वो संदीप हैं, 5 साल पहले 72 थोड़े से वोट से हारे थे, लेकिन ना झुके ना रुके, लगातार अपने परिवार को लेकर लगातार महेंद्रगढ़ की जनता के साथ हर गाँव में जाते रहे, और अब कहते हैं यहाँ की ये मुझे ना गॉडफादर की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, पूरा गॉडफादर महेंद्रगढ़ की जनता है, संदीप जी कहता है मेरा परिवार है। और अब की बार इन्होंने नारा दिया है 1 लाख पार, और 1 लाख पार। तो ये जोश और ये जुनून 5 साल से बरकरार है, अब आने वाला समय बताएगा कि जनता इनका परिवार संदीप जी का क्या गुल खिलाता है, क्या वास्तव में 1 लाख पार जाने वाला है, ये तो समय बताएगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुंडा लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।